लखनऊ के सागर शर्मा की लाल डायरी से एटीएस को महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इस डायरी से कई रहस्य खुलने की संभावना है। डायरी में एक पेज पर भारत का नक्शा और कुछ गोलाकार चित्र भी बने हैं। ये चित्र क्यों बनाए इसकी जानकारी की जा रही है। शुक्रवार को सागर के परिवार से एटीएस ने फिर से पूछताछ की। परिजनों से पूछा गया कि सागर ने अपना जूता कहां से बनवाया, जिसमें फ्रैंकर कैन छुपाकर संसद में गया था। सागर के घर से मिली डायरी में उसने 6 फरवरी 2021 को लिखा था कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। उसने लिखा कि एक तरफ डर है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थित माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाए मैंने 5 प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वह नहीं जो छीनना जानते हैं, ताकतवर वह है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। डीसीपी पश्चिम राहुल जज ने बताया कि सागर की डायरी में लिखे तथ्यों की जांच की जा रही है। इसमें लिखे तथ्यों के आधार पर संभावना है कि उसकी कुछ देश विरोधी संगठनों से नजदीकियां रही हैं। सागर की डायरी में एक पेज 2 जून 2015 की तिथि पड़ी है। उस पर इंकलाब जिंदाबाद लिखा है। कुछ कविताएं भी लिखी हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले सागर का इंस्टाग्राम पोस्ट प्रसारित हुआ था, जिसमें उसने लिखा, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है। अब देखना यह है कि सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है कि फिर मिलेंगे। उसके फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किए गए पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार विरोधी वीडियो व संदेशों पर किसने कमेंट किया, क्या कमेंट किए, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, फेसबुक पर कौन लोग जुड़े हैं, एजेंसियां उनकी जड़ें खंगाल रही हैं। वहीं लखनऊ पुलिस सागर के दोस्तों से जानकारियां जुटा रही हैं कि बेंगलुरु और मैसूर में रहने के बाद उसमें क्या बदलाव आए, वह किन लोगों से मिलता था। यह भी पता किया जा रहा है कि एटीएस और आईबी की टीम ने शुक्रवार को सागर के पिता और परिजनों से पूछताछ के बाद ई रिक्शा मालिक ननक्के के घर पहुंची। सागर ननक्के का ई रिक्शा चलाता था। ननक्के और उसके बेटे हिमांशु से 1 पूछताछ की। ननक्के ने बताया कि 500 प्रतिदिन सागर शर्मा उन्हें देता था, यह उसका तय होता था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।